खबर बुरहानपुर से है, जहां धूलकोट क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी साथ ही उनके तबादले को लेकर स्कूली छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि सीएम राइज स्कूल के छात्र पहले ही शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद खातला हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने एक शिक्षक का तबादला रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सुक्ता खुर्द के हाई स्कूल के सामने से आया है। यहाँ स्कूली बच्चों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर सुबह 9 बजे से ही मुख्य सड़क जाम कर दी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वे छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सूचना मिलने पर धूलकोट तहसीलदार उदय सिंह मंडलोई और धूलकोट थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, वहीं छात्रों को समझाया। इसके बाद स्कूली छात्रों ने चक्का जाम खत्म किया। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। आगे बच्चा जो चक्का जाम किया गया, इसकी सूचना मिली जब हमने आके पूछा, और फिर उसके बाद में हमने जिले के जो डीओ साहब से बात करी तो उनके द्वारा बताया गया कि सुक्ता में अभी किसी भी टीचर का ट्रांसफर नहीं किया गया है। बच्चों के भ्रम की स्थिति थी, बच्चों को समझाइश दी गई कि आपके यहाँ किसी भी टीचर या प्रिंसिपल का ट्रांसफर नहीं हुआ है और न होने वाला है, तो उस बात को मानते हुए बच्चे वापस अपने स्कूल में आ गए। आपका नाम? उदय मंडलोई, तहसीलदार, बिल्कुल।